हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो स्पेशली मेरा जो सीरीज चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूपीएससी, पीएससी, अभी जो एसीएफ, रेंजर, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस में फिजिक्स के पोर्शन का जो क्वेश्चन पूछता है, उस सिलेबस को मैं एक स्पेशल सीरीज चला के उसको कम्प्लीट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया था, और आज का मेरा टॉपिक स्पेशली बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पर, विद्युत पर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स, विद्युत और उसका प्रभाव। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, जब हम हायर क्लास में इसको पढ़ाते हैं तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो मैं इस तरह के क्लास में कोशिश करता हूँ कि मैं इतना डिटेल भी ना जाऊँ कि आपके लिए बर्डन हो जाए, और इतना शॉर्ट में भी ना पढ़ा दूं कि आपके कंटेंट्स छूट जाए। तो मैं बिल्कुल आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग किसी गाइड बुक से सीधा फैक्ट रटने की कोशिश करते हैं कि हीरे के चमकने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन या एंड समान कुछ भी। इस कारण से क्या होता है, जब नया क्वेश्चन आता है, जब हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम डायरेक्ट नहीं पढ़े होते तो वो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि आप किसी भी चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करिए, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है कॉन्सेप्ट। यदि आपको चैप्टर का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अंदर के क्वेश्चन के आंसर देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड है, तो मैं लास्ट में आपको इसके न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से समझिए। तो विद्युत तथा प्रभाव में हम इसको दो या तीन पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। आज के पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बता रहे हैं, विद्युत के बारे में बता रहे हैं, क्लियर। तो देखिए, विद्युत क्या है, सबसे पहले हमको समझना है कि भाई विद्युत होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वह ऊर्जा का एक रूप है, वह एक ऊर्जा से बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड को हम एक ऊर्जा का रूप मानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होता है, विद्युत भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, विद्युत भी ऊर्जा का एक रूप है। तो यह किस तरह की ऊर्जा है, हम इसको किस तरह की ऊर्जा माने, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो किस तरह की ऊर्जा है, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जब पता चला तो घर्षण के द्वारा पता चला। जब हम किसी दो वस्तु को आपस में घर्षण करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम कंघी करते हैं, बाल में कंघी करते हैं, या फिर किसी भी दो चीज़ का हम घर्षण कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो चट चट की आवाज़ आती है। कंघी करने के बाद या कंघी को हम यदि रेशमी कपड़े से रगड़ने के बाद यदि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएँ तो उसको क्या करने लगता है, वो अट्रैक्ट करने लगता है। यही इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब फ्रिक्शन के बाद। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए सपोज ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए सबसे पहले हमको जो कॉन्सेप्ट समझना होता है वह है आवेश, चार्ज। सपोज ये एक पदार्थ का एटम ये है और ये किसी दूसरे पदार्थ का एटम है, इसके न्यूक्लियस में, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल धन आवेशित कर प्रोटॉन है, और बाहरी कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहे हैं, और जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने नाभिक के साथ में कमजोर बंध से बंधे होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत वेरी पुअर होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जैसे ही हम इन दोनों के मध्य में, सपोज हम इन दोनों पदार्थों के बीच में घर्षण कराते हैं, सपोज हम इनके बीच में घर्षण कराते हैं, तो घर्षण कराने से क्या होता है, ये जो इसके बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होते हैं, ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद
एक पदार्थ को छोड़ के दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। देखिए, सामान्य स्थिति में हर पदार्थ विद्युततः उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, वह विद्युत का बिहेवियर शो नहीं करता क्योंकि उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही हम घर्षण करते हैं तो घर्षण करने के बाद ये पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसमें कि ऋण आवेश होता है उसकी कमी हो जाती है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन खोया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये धन आवेश बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए बन जाता है निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आवेश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब दो पदार्थों के मध्य, जैसे आपको कभी इस तरह से आंसर देना हो कि आवेश किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, दो पदार्थों के मध्य घर्षण के पश्चात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धन आवेश बनता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहता है, ऋण आवेश कहता है, बनता है। ये एक आवेश का या चार्ज का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या हिंदी में घर्षण विद्युत कहते हैं, क्योंकि घर्षण के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है। अब देखिए, जब ये आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये है आवेश का कॉन्सेप्ट। तो कोई भी आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, मैं आपको पहले बताया कि कम्प्लीटली मैं आपके टॉपिक को सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। हमको देखे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टडी करना और किसी सब्जेक्ट को पढ़ना अलग मैटर है। यहाँ पर हमको उस पर रिसर्च नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी पर हमको बिल्कुल उस वे में जाना है जो हमारे लिए प्रॉपर डायरेक्शन हो, ताकि हम बहुत कम पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकें। तो मैं सीधा अपने कॉन्सेप्ट पर आता हूँ और अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ कि आवेश से संबंधित एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कुलाम ने दिया। तो हम थोड़ा सा कुलाम के नियम को पढ़ लेते हैं। कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ। कुलाम ने क्या बताया कि सपोज एक दो अपने पास आवेश है, एक का आवेश Q1 है और एक में आवेश Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी मान लो R है, दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, कुलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण कब होगा, जब दोनों विपरीत आवेश होंगे, एक धन होगा एक ऋण होगा तो आकर्षण होगा, और दोनों यदि समान आवेश होंगे, सजातीय आवेश होंगे, तो प्रतिकर्षण होगा। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है F, वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बात उन्होंने बताया। अब हम इन दोनों को यदि कंबाइन कर दें तो ये हो जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम इक्वल में चेंज करना चाहें तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सपोज वो कांस्टेंट K है तो K Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर होता है। और यहाँ पर यदि हम CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में K का मान 1 होता है, तब F बराबर Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर होता है। ये बल का मात्रक डायन होता है CGS में, और यदि हम उसको SI यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो K का जो वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, जिसका आंकिक मान होता है 10 की घात ऋण 7। इस मान को यहाँ पर हम भर दें तो F बराबर 10 की घात ऋण 7 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इस सूत्र को आप याद रखिए, ये दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फार्मूला है। ये बात बताया कुलाम ने कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य इतना बल लगेगा। अब इसका मान क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि SI में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये होता है विद्युत के दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब आगे इसमें जो कॉन्सेप्ट आया वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके सिलेबस का फर्स्ट कंटेंट लिखा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसीलिए हमको बल को समझना जरूरी था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक्चुअल में एक तरह का बल है, आकर्षण या
प्रतिकर्षण का बल है। तो हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यह क्या है, ये हम समझते हैं सबसे पहले। तो सपोज मेरे पास यहां पर कोई एक क्यू प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर कुछ दूरी तक अपना प्रभाव, जैसे कोई चुंबक हो तो चुंबक के चारों ओर कुछ दूर तक चुंबक का प्रभाव होता है, उसी प्रकार से किसी भी आवेश के चारों ओर, मान लो ये जो ब्लू इंक से मैं यहाँ राउंड बनाया, इसके अंदर तक इस आवेश का प्रभाव है, तो यह कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की फिर तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी देखिए, मैं बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ा रहा हूँ हर वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट कुछ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, कुछ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, तो दोनों को प्रॉपर समझ में आ जाए करके टर्मिनोलॉजी को कम से कम मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज आपको तो समझ में आ जाएगा। ये तो कोई लैंग्वेज नहीं है, इसकी तो अपनी खुद की भाषा है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, वो मैथ्स है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखो सपोज हमारे पास कोई एकांक आवेश है, एकांक धन आवेश है। वैज्ञानिकों ने एकांक धन आवेश किसको माना, उसका आवेश इकाई हो और वह धन हो, इसको एकांक आवेश माना, और उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। मतलब ऐसा आवेश जिसका मान क्या हो, इकाई हो। अब यहां पर देखो, ये क्यू आवेश का क्षेत्र है और यहां पर मैं एक एकांक आवेश को लाता हूं विद्युत क्षेत्र में। ये विद्युत क्षेत्र पहले से निर्मित था, इस विद्युत क्षेत्र में हमने एकांक धन आवेश को प्रवेश कराया, तो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के मध्य बल लगेगा। ये न्यूटन ने बताया कि यदि दो आवेश हैं तो दोनों के मध्य बल लगेगा। अब यहां पर बात यह है कि न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण के लिए बल दिया था, उसी की तरह का बल है। तो कुलाम ने जो बल दिया था वो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। यहां पर एक आवेश Q है और दूसरा आवेश क्या है, इकाई आवेश है। तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा, उस बल को हम बल न कह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, और उसको प्रदर्शित करेंगे किससे, E से। तो E बराबर हो जाएगा, यहां पर एक कांस्टेंट में मिस्टेक कर दिया, ये जो 10^-7 मैंने आपको कांस्टेंट बताया, ये सब मैग्नेट के लिए है। एक्चुअल में मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का जो कांस्टेंट है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से मैच करता है, तो ये कांस्टेंट को आप करेक्शन कर लेंगे। ये कांस्टेंट मैंने मैग्नेट का बता दिया आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा के, वो होता है 1/4π ε₀। अभी जो मैंने बताया था वो मैग्नेटिक कांस्टेंट है, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। क्या है, कुलाम ने दोनों के रूल दिया था और हम दोनों पढ़ाते हैं, अभी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है इसलिए मैं उसको, तो ये इसका मान इतना होता है और इसका आंकिक मान 9×10⁻⁹ होता है, क्लियर। 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पर हम लिख देंगे 9×10⁻⁹, 10^-7 चुंबक के लिए होता है, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट इतना होता है। तो यहाँ पर देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फार्मूला में हम मान रखें तो 9×10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 अपने पास क्या है, Q, और Q2 क्या है, 1 और अपान R2, तब हम इसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर हमको 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्लियर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आगे हम इसको यदि सॉल्व करें तो दैट इंप्लाइज दोनों साइड में यदि क्यू का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यू इंटू ई इक्वल टू, यहां पर भी क्यू का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9×10⁻⁹, ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू, 2Q हो जाएगा, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, एफ कह सकते हैं। इस कंडीशन में देयरफॉर
क्यू इंटू ई बराबर एफ होता है। ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखना कि बल बराबर होता है आवेश गुणित तीव्रता। क्लियर, बल बराबर आवेश गुणित तीव्रता। देयरफॉर ई इक्वल टू हो जाएगा एफ अपन क्यू। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखना, इसका हमको आगे देखिए इस चैप्टर में, ये इसका स्टार्टिंग है। अभी इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत धारा और ओम का नियम और प्रतिरोध। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हुई है इससे क्वेश्चन 100% आना है, ये तो उसका बेसिक है। तो यहाँ पर इसका मात्रक लिखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मात्रक किस तरह से निकालते हैं, देखिए ऊपर में बल है तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और ये हो जाएगा पर कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो आप ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में मात्रक वगैरह पूछ देता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ये मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल है। अब हम यहाँ पर देखते हैं विभव और विभवांतर का कॉन्सेप्ट। विभव और विभवांतर आपके सिलेबस को आप देखिए उसमें सीधा सीधा विभव और विभवांतर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो विभव होता क्या है, देखिए विद्युत विभव, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है। सामान्य रूप से हम विद्युत विभव की यदि परिभाषा कर दें आपको तो वो आपको सीधा सीधा रटने जैसे बात हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको विभव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। देखिए आप इमेजिन करिए, आप कल्पना कीजिए कि ये हमारे पास दो आवेशित पिंड है। इस आवेशित पिंड ए और बी, ये जो पहला आवेशित पिंड है हमारे पास, इसमें सपोज 100 कूलाम आवेश है इसके पास, और बी के पास मान लो 50 कूलाम आवेश है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए, यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको पकड़ना है। इस ये जो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैंने जो आपसे बात किया वो यही है जो कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप फिजिक्स के क्लास को बहुत कॉन्सेंट्रेशन समझिए। यहाँ पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से क्वेश्चन के लिए वो आपको हेल्प कर सकता है। तो ये दो आवेशित पिंड लिया मैं ए और बी, और मैं बता दिया इसके पास 100 कूलाम आवेश, इसके पास 50 कूलाम आवेश है, और बीच में मैंने दोनों को एक कंडक्टर वायर से, चालक वायर से जोड़ दिया। अब यदि एक मैं सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यहाँ पर आवेश ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा, तो नेचुरली 90% से ऊपर स्टूडेंट इमीडिएट आंसर देते हैं कि सर ए से बी में जाएगा, और उनके पास तर्क क्या होता है, क्योंकि ए के पास अधिक आवेश है बी के पास कम आवेश है। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये गलत अवधारणा है। अब इसको इससे हट के मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर सपोज मेरे पास ये कोई पानी की टंकी, वाटर टैंक है, और एक दूसरा वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है बड़ा साइज का, इसमें हमने वाटर फिलअप करके रखा है, यहाँ तक वाटर फिलअप किया है ए, और इसके पास सपोज 100 कूलाम आवेश है। इसी के कॉन्सेप्ट पर मैं आपको, या आप ढंग से समझ लीजिए, इसके पास मान लो 200 लीटर पानी है, इस टंकी में 200 लीटर पानी है, और एक टैंक मैं यहाँ पर और रखा हूँ, और इसमें मैं यहाँ तक पानी भरा हुआ हूँ, देखिए इसका लेवल ये है, बी टैंक है, और यहाँ पर 1000 लीटर वाटर है, और बीच में मैंने यहाँ पर लगाया है एक वाल्व, ये वाल्व लगा हुआ है। तो चूंकि वाल्व लगा है तो अभी वाटर ए से बी और बी से में फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि सपोज मैंने यहाँ पर वाल्व खोला तो वाटर ए से बी में जाएगा तो कि बी से ए में जाएगा, नेचुरली 100% स्टूडेंट का आंसर होगा कि सर वाल्व खोलने से वाटर ए से बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है,
क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको पता है कि वाटर का फ्लो होना वाटर की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता, उसके लेवल पर निर्भर करता है, सतह पर निर्भर करता है। यदि मात्रा पर निर्भर करता तो नदी का पानी जाके समुद्र में नहीं गिरता, समुद्र का पूरा पानी पृथ्वी में आ जाता। क्यों? क्योंकि समुद्र में तो बहुत पानी है। तो पानी का बहना, किसी भी लिक्विड का फ्लो होना, उसकी क्वांटिटी पर नहीं, लेवल पर डिपेंड करता है। और यहाँ आपको पता है कि ए का लेवल ज़्यादा है, बी का लेवल कम है, तो वाटर ए से बी में फ्लो होगा, भले ही इसके पास क्वांटिटी कम है। इसके ये नदी है, समुद्र है, समझ लीजिए। एग्जैक्टली वैसी है यहाँ पर भी। ये एग्जांपल मैंने इसके साथ कोरिलेट करने के लिए आपको समझाया कि भले ही इसके पास 100 कूलाम आवेश है, इसके पास 50 कूलाम आवेश है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि ए से बी में ही, जैसे इसके पास 100 लीटर वाटर होना, इस बात की गारंटी नहीं है कि वाटर इधर फ्लो होगा। वहाँ वाटर फ्लो होने के डायरेक्शन को उसका सतह निर्धारित किया, तो यहाँ पर भी आवेश बहने की दिशा को जो निर्धारित करेगा वही क्या है, विद्युत विभव है। मतलब विभव का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो आवेश प्रवाह की दिशा बताता है, जो आवेश प्रवाह की दिशा बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव। मतलब आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को हम विभव कहते हैं। और ये इसका क्या है, अर्थ है, ये इसकी परिभाषा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, परिभाषा आगे आएगा। फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग अलग चीज़ है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, और मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसका जो गणितीय परिभाषा, वो अलग चीज़ है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ए में विभव 20 वोल्ट है और बी में विभव सपोज 5 वोल्ट है, तब आप कह सकते हो कि आवेश ए से बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने बता दिया इसके पास अधिक विभव है, इसके पास कम विभव है। तो विभव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। जिस प्रकार से पानी हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से आवेश भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब आवेश की मात्रा आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित नहीं करता, आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है विभव। इसीलिए हमको क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना होता है, विद्युत प्रवाहित कराना होता है, तो हम विभव देखते हैं कि कौन सा हाई पोटेंशियल है, कौन सा लो पोटेंशियल है। ट्रांसफार्मर, हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो उच्च विभव में होता है, और हमारा जो घर होता है, हमारे घर में जो डिवाइस होते हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी लगा कर रखा है, वो लो पोटेंशियल में होता है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसफार्मर। इसीलिए ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में फ्लो होता है। यदि हमारे घर में हाई पोटेंशियल उच्च विभव होता, ट्रांसफार्मर लो पोटेंशियल में होगा, तो हम विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझना है क्योंकि आगे अभी आपको धारा पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, और विद्युत धारा इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो यह हुआ विभव का अर्थ। अब हम देखते हैं विभव की परिभाषा। विभव की परिभाषा, विभव का मात्रक, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विभव V बराबर होता है W अपॉन Q, ये विभव का फार्मूला है, जहाँ पर W क्या है, कार्य है, W फॉर वर्क, और ये चार्ज है, आवेश। तो विभव क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। और यहाँ पर यदि हमको इसकी परिभाषा करना है तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जो बता रहा हूँ परिभाषा है, पहले बताया वो उसका अर्थ है। तो यदि हम आवेश को इकाई ले लें, यदि हम इस इकाई ले लें आवेश को, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। मतलब किसी भी आवेशित पिंड का जो विभव होता है वह कार्य के बराबर होता है, जबकि आवेश क्या हो, इकाई हो। तो इसका सिचुएशन से अपने को समझना है। सिचुएशन यह है कि सपोज अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में सपोज हमको एकांक धन आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाना है, ये एकांक आवेश है। आप इमेजिन करिए कि हमको किसी वस्तु को, सपोज मेरे को इस कमरे में किसी वस्तु को लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इस एकांक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाना है, तो हमको यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा।
और इस एकांक आवेश को लाने के लिए हमको जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या है, विभव है। तो हम इसकी कैसे परिभाषा कर सकते हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या है, विभव कहलाता है। तो एक काम क्या आता है, ये काम आता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में। मतलब हमारे पास कोई सर्किट है, हमारे पास कोई परिपथ है, तो उस परिपथ में हम बैटरी लगा के, जनरेटर लगा के जो करंट फ्लो कराते हैं इसी के कारण करा पाते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर आवेश को प्रवाहित करना पड़ता है और आवेश को प्रवाहित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्लियर। और अब हम देखते हैं इसका मात्रक। तो इसका जो मात्रक है विभव का वो होता है वोल्ट। वोल्ट क्या है, इसका मात्रक है। और एक वोल्ट की हम परिभाषा करें तो क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो ये कार्य है, ये आवेश है। यदि कार्य को हम एक जूल कह दें और आवेश को क्या कह दें, एक कूलाम कह दें, इस तरह से। तो यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में एक जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव क्या कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट का विभव उसमें कहलाता है। जैसे मान लो हमको 220 वोल्ट हम कहते हैं, 220 वोल्ट का मतलब हुआ कि हमको एकांक आवेश को यदि प्रवाहित करना हो तो 220 जूल का हमको कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको कार्य से मेजरमेंट करते हैं। क्लियर। तो ये होता है विभव, विद्युत विभव। और इसी के बेस पर हम पढ़ते हैं विभवांतर। तो विभवांतर कंप्लीट इससे मिलता हुआ कॉन्सेप्ट है। देखिए विभव समझ में आने के बाद विभवांतर समझना बहुत आसान काम है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीडी कह देते हैं। पीडी कहने से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के जानकार आदमी को पता चल जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित कर पाते हैं। कैसे, देखिए सपोज हमारे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ये दो बिंदु हैं और यहाँ पर विभव वी ए है, यहाँ पर विभव वी बी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होगा वही विभवांतर होगा। मतलब वी ए माइनस वी बी और यह भी डब्लू अपान क्यू के बराबर होता है। तो विभवांतर का सीधा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी दो बिंदु, सपोज मेरा ये क्लासरूम एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में सपोज ये दो पॉइंट है मेरे पास, दो मार्कर दो पॉइंट है, तो इसके विभव और इसके विभव में जो अंतर रहेगा वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और जब तक किसी परिपथ में विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता। इस बात को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमने डैम बनाया, बांध बनाया, तो बांध क्या होता है, ऊंचाई में होता है और हमारा जो खेत होता है, फील्ड होता है, वो नीचे होता है, तो दोनों के विभव में अंतर है। जैसे पावर प्लांट है तो पावर प्लांट में हमने पावर प्रोडक्शन किया, विद्युत उत्पादन किया, वो हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है, और घर हमारा निम्न विभव है, तभी वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा पाते हैं। बांध के, डैम के गेट को ओपन करते हैं तो बिना कोई मोटर लगाए, बिना कोई फोर्स लगाए अपने आप पानी उसमें बहने लगता है। क्यों, क्योंकि जो बांध है वो उच्च विभव पर है, अधिक विभव पर है, और हमारा जो खेत है वो निम्न विभव पर है। ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब तक विभवांतर नहीं समझेंगे आपको करंट का फ्लो होना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इस बात को बहुत जोर दे के आपको बता रहा हूँ कि विभवांतर ही वह कारक है जो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर। यदि हम किसी भी दो बिंदु के विभव को बराबर कर दें तो उस परिपथ से धारा प्रवाहित करना संभव नहीं है। धारा प्रवाहित करने के लिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आवश्यक है। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना, यही बात मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि फिजिक्स रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स समझना है। फिजिक्स थिंकिंग का सब्जेक्ट है, सोचने का सब्जेक्ट है। ये आपको क्लियर रहे कि भाई एक तार में धारा इसलिए प्रवाहित हो रहा है
क्योंकि हम उसमें एक एसी में धारा इसलिए प्रवाहित हो रहा है क्योंकि एसी क्या है, निम्न विभव में है, और जहाँ से करंट आ रहा है वो उच्च विभव में है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसके बाद विभव और विभवांतर को समझने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इस पूरे चैप्टर का, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकता हूँ, वो है ओम का नियम। आप मान के चलिए कि ओम का नियम विद्युत का एक ऐसा टॉपिक होता है जो सारे नियम, पूरे के पूरे नियम ओम के नियम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तब हम पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने क्या बताया कि मान लो हमारे पास कोई परिपथ है और उस परिपथ में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा, ओम का नियम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, तभी आपको समझ में आएगा, वो है विद्युत धारा। पहले आपको समझना है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, ये क्या होता है, देखिए विद्युत धारा का सूत्र होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब धारा, विद्युत धारा क्या है, I है, और Q आपको पता है, अभी हम बार बार आपको बता रहे हैं Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। तो इसका परिभाषा बहुत आसान है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दर मतलब जब किसी भी भौतिक राशि में समय का भाग दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं दर। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी चालक में या किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ का मतलब होता है ऐसा परिपथ जिसमें से हम धारा को प्रवाहित कर सकें, और खुला परिपथ का मतलब होता है ऐसा परिपथ जिसमें हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, क्यों, क्योंकि हमने परिपथ को बंद कर दिया, स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, जिसे हम खुला परिपथ कहते हैं। तो धारा का अस्तित्व तो केवल बंद परिपथ में होता है, खुले परिपथ में धारा हम प्रवाहित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, किसी चालक में या किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसकी परिभाषा है। और इसका इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर क्या है, इसका मात्रक है, हम शॉर्ट फॉर्म में ए एम पी लिख देते हैं, या जब करंट को लिखना होता है तो 10 कैपिटल ऐसा लिखते हैं, 10 ए का मतलब हुआ 10 एम्पियर। तो एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने करंट पर रिसर्च किया था, उन्होंने बताया था करंट को, इसलिए हम क्या कहते हैं इसकी मात्रा को, एम्पियर कहते हैं। तो यह विद्युत धारा होता है, और कुछ भी आपको इसमें नहीं जानना है, बस सिर्फ परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर। तो कूलाम ने क्या बताया कि सपोज हमारे पास कोई एक परिपथ है, अब उस परिपथ में हम सपोज आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये मैं छोटा सा सर्किट बना दूं आपको, यहाँ पर एक ये प्रतिरोध का संकेत है, प्रतिरोध लगा दिया, अभी आगे बताऊंगा मैं इसको आर, और यहाँ पर हम एक बैटरी लगा दिए इस तरह से, और इस सिरे ए और बी, इस सिरे का विभवांतर मान लो, दोनों के बीच का विभवांतर मान लो वी है, और इसमें बहने वाली धारा मान लो क्या है, आई है, इस प्रकार से। तो ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में बहने वाली धारा, किसी परिपथ में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी प्रोपोर्शनल टू आई, ये समानुपात का निशान है जिसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार, अच्छा ओम के नियम ने इसमें कुछ शर्त बताया, ये हमेशा लागू नहीं होगा बोला, तो ओम के नियम ने अपने इस नियम में शर्त क्या बताया था कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, कहने का मतलब चालक का जो भौतिक अवस्था इन द सेंस उसका ताप, दाब, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, बदल ना रहा हो, तो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो
तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आगे हम इसको यदि सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज भी प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करें तो यहाँ पर हमको एक नियतांक का गुणा करना पड़ता है जो कि R है, तो हो जाएगा R इंटू I। और यहाँ पर ये जो R नियतांक गुणा किया गया है इस R को बोला जाता है प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, इसको प्रतिरोध बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए प्रतिरोध क्या है, तो देयरफॉर इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो R इक्वल टू हो जाएगा वी अपान आई। प्रतिरोध का सामान्य अर्थ है अवरोध, धारा के मार्ग में रुकावट। जैसे रोड में स्पीड ब्रेकर लगा होता है, गति अवरोधक होता है, क्या करता है हमारी स्पीड को कम कर देता है। जैसे हमारा व्हीकल वहां पहुंचता है हमको अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में भी, इलेक्ट्रिसिटी में जब हम करेंट फ्लो कराते हैं तो किसी कारण से जब हमको धारा को रोकना होता है, इसकी हमको आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या है, एक प्रकार का अवरोध है। मतलब किसी परिपथ में धारा के मार्ग में या उसके बहने में जो रुकावट पैदा होता है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन ये इसका मीनिंग है और परिभाषा हम यहाँ से बनाते हैं कि किसी चालक में, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए ओम होता है। और इसका संकेत है ये, जो कि ओमेगा है, ये ग्रीक अल्फाबेट का ओमेगा है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ओम इसका मात्रक है और आर इसका प्रतिरोध, इसका संकेत है, ये कहलाता है प्रतिरोध। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिरोध पर डिटेल स्टडी है आपके सिलेबस में कि प्रतिरोध का मान एक्चुअल में होता कितना है, तो उसको आप उसको फार्मूला डेरिवेशन में नहीं जाना है। प्रतिरोध का जो मान होता है R, वो होता है एम एल अपॉन एन इंटू ए स्क्वायर इंटू टा। फार्मूला आपको जरूरत नहीं है, एन इज ए स्क्वायर इंटू टा, ये प्रतिरोध का फार्मूला है। अब यहां पर कौन कौन सा वेरिएबल क्या है, इसको ओम ने बड़े कैलकुलेशन के बाद आपको बताया था, लेकिन वो डेरिवेशन हमको यहाँ काम करनी है आपके क्लास में, हायर क्लास में इसको हम डिराइव करते हैं। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एल क्या है, चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई। अब यहाँ पर देखें एन, ये एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब जितना मोटा तार हम उसमें लगाए हैं धारा प्रवाहित करने के लिए। और यहाँ पर ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और यह श्रांति काल कहलाता है, यह श्रांति काल कहलाता है। यहाँ एक बात आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है। अब यहाँ पर मैंने ब्लू और रेड इंक के स्याही से मैंने यहाँ पर अलग अलग राउंड किया है, उसका मतलब ये बताने के लिए किया है कि जिन जिन भौतिक राशियों को मैंने लाल रंग के स्याही से घेरा हुआ है वो क्या है, यहाँ पर इसको ब्लू करूँ, वो सब नियतांक है, मतलब उसके मान को हम नहीं बदल सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है जिनको मैं लाल रंग की स्याही से घेरा हूँ उन पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वो नियतांक है। कोई भी भौतिक राशि नियतांक पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसका मान तो फिक्स है, नियत है। तो प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, एल पर करेगा, ए पर करेगा और टा, इसको टा बोलते हैं, टा श्रांति काल है यहाँ पर। तो आपका एक स्पेशल टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और इसको ध्यान से समझिए, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिनको मैंने नीले स्याही से राउंड किया है वो उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आर समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। आर समानुपाती होता है लंबाई के, क्योंकि जो अंश में होगा उसके समानुपाती होगा और जो हर में होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब होता है एक भौतिक राशि के मान को बढ़ाने पर दूसरा राशि का मान भी बढ़ता है। मतलब यहाँ से क्या क्लियर होता है, यदि हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें, यदि हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। जैसे जैसे हम तार की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक क्या है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए, ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब क्या है कि तार की मोटाई को यदि हम बढ़ा दें, यदि हम पतले तार के जगह में मोटा तार यूज करें तो तार के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं हमको किसी कारण से बहुत दूर तक कनेक्शन ले जाना होता है, लूज कनेक्शन ले जाना होता है बहुत दूर तक। तो जब हम दूर में कनेक्शन ले जाके बल्ब जलाते हैं तो उसकी रोशनी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि तार की लंबाई को बढ़ा दिए तो प्रतिरोध बढ़ गया, धारा के मार्ग में अवरोध बढ़ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब तार जितना मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। घर में जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिशियन हमको पूछता है कि यहाँ पर एसी चलाएंगे क्या, तो उसके लिए मोटा तार देता है। वो बोलता है यहाँ पर एक बल्ब जलाएंगे, एक एलईडी बल्ब जलाएंगे, तो उसके लिए पतला तार वो कनेक्शन में देता है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा हैवी डिवाइस आप चलाएंगे उतना ही उसका प्रतिरोध कम रहे तो अच्छा है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है वो है आर प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के, ताप के। तो इस सूत्र में तो ताप नहीं है लेकिन उसको आप ज़्यादा डिटेल में जाकर डिस्कस मत करिए तो अच्छा है, सीधा आपको उसको फेक्ट कर दिए। श्रांति काल कहलाता है और ये जो श्रांति काल जो होता है माने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच का टक्कर है ये श्रांति काल। मैं स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि जब भी मैं कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फिजिक्स के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक प्रेशर में रहता हूँ। मेरा प्रेशर ये होता है कि कहीं मैं बहुत डेप्थ में ना चला जाऊँ, क्योंकि तो मेरे को हायर क्लास का फिजिक्स पढ़ाना है, एनी टाइम IIT JEE नीट के लेवल का फिजिक्स मुझे पढ़ाना है। तो ये कॉमन साइंस के बेस पर जो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर फिर एक दिक्कत आ सकता है, इसलिए बहुत सारे टॉपिक को हमको स्केप करना पड़ता है। और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव में सेलेक्ट होना, सिविल सर्विस या इस तरह के कॉम्पिटिटिव में सेलेक्ट होने का मतलब है आप बिल्कुल टांगे के घोड़े की तरह चलिए, मतलब सिर्फ आपको अपना टारगेट दिखे, आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड होने का मतलब जो नेसेसरी है, क्योंकि आपको उसमें कोई रिसर्च नहीं करना है, आपको फिजिक्स में रिसर्च नहीं करना है, आपको फिजिक्स में उतने चीज़ों को जानना है जो आपके लिए ज़रूरी है। ये एक बड़ा चैलेंज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में कि बहुत बड़े ब्रांड सिलेबस से हमको क्रीम कलेक्शन करना होता है, मतलब समुद्र से मोती चुनने जैसा है कि आप इतने चीज़ों को जानें जो ज़रूरी हो और कहीं आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी ना हो जाओ। तो एक चैलेंजिंग है वो टीचर स्टूडेंट्स मिलकर यदि उस तरह ढंग से करें तो वो बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं उसको बहुत उधर नहीं ले जा रहा हूँ। आप सीधा याद रखो कि प्रतिरोध क्या होता है ताप के, यहाँ पर टी के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, समय है करके, टी फॉर टेम्परेचर है यहाँ पर ताप। तो ये हमारा एक स्पेशल टॉपिक है सिलेबस में, आपका साफ साफ इसका उल्लेख है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को आप समझिए। तो एक बार मैं इसको रिविज़न करता हूँ, ध्यान देना, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। दूसरा, प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। और तीसरा, जो प्रतिरोध है वह ताप के समानुपाती होता है, मतलब चालक तार के ताप को बढ़ा दें तो प्रतिरोध भी
बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हमको वोल्टेज प्रॉब्लम होता है, क्यों? क्योंकि पूरे हमारे सर्विस वायर या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो वायर आता है वो सब क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको करंट कम मिलता है, वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है। या उल्टा भी आप समझिए, प्रतिरोध ज़्यादा हो तो भी ताप ज़्यादा होता है। इसीलिए घर में जो हीटिंग एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स मतलब ताप वाले पदार्थ जो नाइक्रोम टंगस्टन वगैरह से बनाए जाते हैं, जैसे बल्ब का फिलामेंट है, कपड़े प्रेस करने का प्रेस है, या फिर वाटर हीटर है, जो भी हमारे घर में डिवाइस है जिसको हम करंट देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, वो इसी संबंध के कारण है, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो ताप भी उसका ज़्यादा होता है। तो एक कारक को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए कि तीन चीज़ों पर वो बेसिकली निर्भर करता है। अब यहाँ पर इस निर्भरता से एक नया कॉन्सेप्ट जो आता है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। अभी हमने प्रतिरोध पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, अब विशिष्ट नाम से क्लियर हो जाता है, विशिष्ट मतलब होता है कोई स्पेशल चीज, इंग्लिश बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशेष प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये भी आपका सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आया इन दोनों संबंधों को कंबाइन करने से। देखिए वहाँ पर पहला दूसरा संबंध को हम कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपान A, ये मिलेगा। दैट इम्प्लाइज आगे इसको हम सॉल्व कर दें तो R इक्वल यहाँ पर एक नियतांक का गुणा करेंगे और वो एक नियतांक है रो, ये रो है, ये भी ग्रीक भाषा का लेटर है, तो रो इंटू L अपान A। और यहाँ पर ये जो रो हमने कांस्टेंट लाया है, इस रो का ही नाम है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, यही है विशिष्ट प्रतिरोध रो। अब इसकी हम परिभाषा करेंगे कि भाई ये है क्या चीज़, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। तो आगे हम इसको रो के लिए सॉल्व करें तो इसको इधर पक्षांतर कर दें तो रो इक्वल टू आके गुणा हो जाएगा R इंटू ए अपान एल, ये रो की, रो का फार्मूला है। और यहाँ से हम इसको परिभाषा करें तो परिभाषा करने के लिए क्या करें, यदि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को इकाई और लंबाई को भी इकाई ले लें तो ये जो रो है वो आर के बराबर हो जाएगा। कैसे, आप सूत्र को देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये तार के क्षेत्रफल को एक ले लिया और लंबाई को भी एक ले लिया तो वन वन तो खत्म हो गया, तो रो आर के बराबर हो गया। और यहाँ से हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं, कैसे परिभाषा करेंगे, देखिए इकाई लंबाई, तार की लंबाई क्या हो, इकाई हो, तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब, सपोज मेरे पास ये जो मेरा मार्कर है इसको आप एक तार समझ लो और इसके इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई हो और इसकी लंबाई भी इकाई हो, उस कंडीशन में इसका जो प्रतिरोध होगा उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है आर का, हो गया ओम, ये हो गया ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एक मीटर इससे कटेगा तो ओम इंटू मीटर, ये इसका क्या होता है, मात्रक। तो ओम इंटू मीटर क्या है, इसका मात्रक है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध और ये उसका मात्रक। इसी बेस पर हम समझते हैं विशिष्ट चालकता, जब इसका विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिए तो विशिष्ट चालकता भी पढ़ लेते हैं। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं, या सीधा स्पेसिफिक कंडक्टर या कंडक्टिविटी, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू है 1/रो, एक लाइन का डेफिनेशन इसलिए इसको बताया तो हमें, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, क्लियर। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध का अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट। और इसके बाद
आज के मेरे लेक्चर का लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है प्रतिरोधों का समूहन। इसके बाद बचे हुए पोर्शन को जो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है, मतलब विद्युत धारा का प्रभाव, धारा का प्रभाव या विद्युत का प्रभाव, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद उसको न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा आपको। तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में एक खास बात यह है कि आपके सिलेबस में सीधा लिखा है, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स भी करना है आपको। तो प्रतिरोधों का संयोजन, इंग्लिश में अपन कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला इसका जो संयोजन है वह है श्रेणी संयोजन, श्रेणी समूहन भी कहते हैं, या संयोजन एक ही मतलब है, समूहन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी समूहन। श्रेणी समूहन में खास बात होती है जिसको आप ध्यान में रखना, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसका जरूरत पड़ेगा। इसमें जो धारा का मान होता है, धारा मतलब आई, ये नियत होता है, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट। धारा का मान क्या होता है? नियत होता है। मतलब एक परिपथ से आपको समझाता हूं तो समझ में आएगा। यहां पर हम एक सर्किट बनाते हैं, ये मान लो एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। इसके साथ में हमने एक कुंजी लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, और ये सर्किट पूरा कर दिया। अब यहाँ से जब हम I धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो यही I धारा तीनों में प्रवाहित होगा और वापस होगा। देखें धारा क्या है? नियत है, क्योंकि R1, R2, R3 तीनों में I धारा ही प्रवाहित होगा। क्लियर? लेकिन सबके विभव अलग अलग होंगे। मान लो R1 प्रतिरोध का विभव V1 है, इसका प्रतिरोध विभव V2 है, इसका V3 है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, हम जब इसका फार्मूला निकालेंगे तो कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, रिलेशन नंबर फर्स्ट। परंतु अपने को पता है बट V इक्वल टू I इंटू R, यह हम ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर I इंटू R होता है। इस कॉन्सेप्ट पर यदि हम V1 निकाल लें तो V1 बराबर I इंटू R1, क्योंकि I तो नियत है। इसी तरह से V2 बराबर I इंटू R2 और V3 बराबर I इंटू R3। अब ये तीनों चारों मान को एक में रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा? इसलिए एक से एक में इन मान को भर दो तो V की जगह लिखेंगे अपन क्या? IR, और इधर राइट साइड में हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। दैट इम्प्लाइज दोनों पक्षों से I कॉमन निकल के कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी समूहन में प्रतिरोध का फार्मूला है। इस पे बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं, आंकिक प्रश्न बनते हैं, लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। इसलिए आप लोग को मेरा सजेशन है कि जो फर्स्ट वीडियो को देख रहा है वो सेकंड वीडियो को भी फर्स्ट को अच्छे से तैयार करने के बाद देखें, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट नहीं होगा, समझ में आपको नहीं आएगा। तो ये सूत्र आपको तैयार करना है, ये श्रेणी समूहन के लिए फार्मूला है प्रतिरोधों का। क्लियर? और इस तरह से हम इसको डिराइव करते हैं, दो लाइन का डेरिवेशन है। और इसके बाद आप पढ़ते हैं समांतर समूहन। ये हो गया श्रेणी समूहन, अब हम देखते हैं दूसरा समांतर समूहन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर समूहन, पैरेलल, इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें धारा नियत होता है, लेकिन इसमें भी नियत होगा विभव।
इसमें विभव भी नियत होता है, ये दोनों बात यही कॉन्सेप्ट है, इसमें विभव नियत होता है, क्लियर। अब इसका हम सर्किट कैसे बनाएंगे, देखिए ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध, तीन तीन प्रतिरोध कर ले रहे हैं, ये सभी प्रतिरोध एक ही बिंदु से इधर जुड़े हुए हैं और इधर भी ये तीनों एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, और इसके बाद हम इसको एक कुंजी के साथ और बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है। अब यहाँ पर देखो, चूंकि इनका जुड़ने का बिंदु दो ही है, इसलिए विभव इसका भी होगा जो कि कांस्टेंट होगा, लेकिन धारा अलग अलग होगा। यहाँ पर हम जब इसमें से आई धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर धारा को बहने के लिए तीन दिशा मिलेगा, तीन दिशा मिलने के कारण ये तीन पार्ट में बढ़ जाएगा, तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो जाएगा क्या, आई वन यहाँ से हो जाएगा, आई टू यहाँ से हो जाएगा, आई थ्री, इसका प्रतिरोध मान लो आर वन है, इसका आर टू है, इसका आर थ्री है। तो दोनों समूहन में आप एक खास बात देख रहे हो, वहाँ पर वी वन वी टू वी थ्री था और आई कांस्टेंट था, और यहाँ पर वी कांस्टेंट है, आई वन आई टू आई थ्री है। तो इसका हम डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे, कुल धारा आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, रिलेशन नंबर फर्स्ट। परंतु अपने को पता है V इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं I1 वन इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2, और इसी प्रकार से I3 इक्वल टू V अपान R3। यदि इन चारों मानों को एक में हम रख दें तो हमको जो रिलेशन मिलेगा कैसा मिलेगा, ये हो जाएगा V अपान R, इसलिए V अपान R इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। दैट इम्प्लाइज दोनों साइड से V कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, और ये हो जाएगा समांतर समूहन के लिए फार्मूला। तो आपको ये फार्मूला तैयार करके रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मतलब मल्टीपल च्वाइस में पूछेंगे तो उसमें उसको न्यूमेरिकल पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स मल्टीपल च्वाइस पूछा जाएगा। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे की वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आज का जो मेरा टॉपिक था वो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपसे बात किया, आवेश क्या है, आवेश की क्या अवधारणा है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, फिर विभव क्या है, विभवांतर क्या है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध का, पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है। और यदि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रभाव को पढ़ाऊँगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।